नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज और मैं बिभू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ एस के झा सर हैं और मेडिकल जो बात आती है ग्रुप डी में जो मेडिकल चेकअप होता है उसके लिए कैंप है और सर जो है विशेष उपलब्धि के साथ यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं और उसके बाद जो है अब फिजिकल की रनिंग होगी, लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ा लाखों स्टूडेंट्स का यहाँ पे चेकअप होना अपने आप में बहुत खास है। सर किससे जुड़ेंगे? सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर ये चेकअप मेडिकल चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप डी में सिलेक्शन होने, लाखों स्टूडेंट सिलेक्शन होंगे क्योंकि बेरोजगारी का जो तमगा है बहुत ज्यादा है, कैसे देख रहे हैं इसको? सर देखिए, जिनका ग्रुप डी में पीटी क्वालिफाइड है, जो हमारे संस्थान के छात्र जो भी हैं उनका पीटी क्वालिफाई है, तो उनको फिजिकल के लिए भी हम प्रॉपरली ट्रेंड कर रहे हैं, मेडिकल के में भी उसकी जो समस्याएं उसको दूर कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो समस्याएं, ये तीनों चीजों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, आ रहे हैं और अपना अपना सारा कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में जो डर है वो उनको कोई नहीं बताता। क्या डर है सर? कि जैसे हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर से मिल नहीं पाता है। कितना डिपार्टमेंट में जाके मिलेंगे? कभी आंख के डॉक्टर से मिलना होगा, उसकी अलग फीस है, हड्डी के डॉक्टर की अलग फीस है, फिजिशियन की अलग फीस है, दांत के डॉक्टर की अलग फीस है, बवासीर वगैरह सर्जन वगैरह की उसकी अलग फीस है, अलग पैसा नहीं रहता, पॉकेट में पैसा नहीं है और वो अलग अलग जगह पर जा नहीं पाते हैं और वहां जाने के बाद फाइनली उनको एक दो स्टेप्स कर लेने के कारण नहीं छटते वो, और जो नहीं कर पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, इसलिए वो करवा नहीं पाते हैं और करवा नहीं पाते हैं तो इसलिए वो छट जाते हैं फाइनली, उनको वो लोग दोबारा मौका नहीं देते, वो लोग इतना बिजी रहते हैं कि वो लोग दोबारा मौका नहीं देते हैं, जिससे बच्चे छट जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां मेरे पास आई। इस बार स्टेशन मास्टर में एक बच्चे को हाइड्रोसील है, अब उसको रेफर कर दिया, वो उसकी खुशियां गम में बदल गई, अब साल डेढ़ साल के बाद कभी लेटर जाएगा तब उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। घालमेल भी होता है मेडिकल चेकअप में? नहीं, जो उसको हम लोग अभी से अगर क्योर करके रखते हैं तो उस टाइम वो लड़ पड़ेगा कि नहीं हमको ये प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो टीम है वो पटना एम्स की टीम है और काफी विश्वसनीय टीम है, सब लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो हमने डॉक्टर लोग से रिक्वेस्ट किया और डॉक्टर साहब लोग देखिए कितनी तन्मयता से इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि ये जो टीम है, आज 1 जनवरी है और समय बज रहे हैं 11 और 11 बजे दिन में ये लोग 1 जनवरी अपनों के साथ ना मनाकर बच्चों के साथ मना रहे हैं, क्या बात, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। वैसे भी सर स्टूडेंट्स के साथ रहना और लाखों स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं, करोड़ों स्टूडेंट देश में हैं, तो इन बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना का एक लम्हा कुछ अलग है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। समझिए, वो हमको डॉक्टर साहब जो हेड हैं इनके, उन्होंने कहा कि दोस्तों के बीच या परिवार के बीच उस बात पर चर्चा करते हुए हम लोग अपना समय आज व्यतीत कर देंगे जिस बात का कोई बेस नहीं है, तो आइए ना मिलकर बदलते हैं बिहार को। जी जी, 1 जनवरी है सर और ऐसे में ये ग्रुप डी में जाने वाले जो बच्चे हैं काफी एक्साइटेड हैं कि हमारा अब लाइफ सिक्योर होगा और कम से कम जिंदगी बदलेगा, बेरोजगारी की जो आलम है वो खत्म होगी, परिवार की जो परेशानी वो खत्म होगी, ऐसे में क्या संदेश देंगे इस 1 जनवरी के नए साल? 100% नए साल में नई खुशियां, क्योंकि 2024 में है चुनाव, जिनका नहीं भी हुआ है उनके जीवन में भी नई खुशियां आने वाली। 2024 को चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी वैकेंसियां आ रही, उठिए जागिए चल पड़िए मंजिल की ओर। थोड़ा सा हम चलेंगे सर बीएसएससी पेपर लीक मामले पे, कई स्टूडेंट्स 9 लाख अभ्यर्थी नाराज हैं और अभी परेशान चल रहे हैं, 4 जनवरी को लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, ऐसे में उन स्टूडेंट्स के साथ जो बीत रहा है वो आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप टीचर हैं, मेंटर हैं, तो सर उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? जो स्टूडेंट्स देखिए उनके साथ बहुत बहुत भयानक गलत हुआ, एक मर्डर नहीं हजारों मर्डर हुए हैं, इस हजारों मर्डर को अगर ठीक करना है तो सभी सिटिंग का पेपर कैंसिल करना होगा और बोर्ड में जहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि आगे चुनाव है, हम लोग आपके साथ हैं लेकिन तब जब आप हमारा साथ देने के लिए तैयार होंगे। तो जो भी आंदोलन होने वाला है या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना होगा, सबको मिल के एक साथ आना होगा, अगर आंदोलन ही है तो सबको मिल के सहयोग करना होगा और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना है, ये चीज का ध्यान रखना है सबको कि संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना है ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे। सर बिहार में एक बड़ा सवाल है कि सॉल्वर गैंग, ये माफिया स्कॉलर ये बैठा दिए जाते हैं, पेपर लीक होता है, लेकिन बड़ी मछली और बड़े चेहरे जो है वो नाकाब नहीं हो पाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये कहीं ना कहीं सरकार की समझिए नाकामी है, सरकार का फेल्योरनेस है, इस पर सरकार को आना होगा। ये छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप जेल में बंद करते हैं, जो बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त हैं आप उसको जेल भेजिए, जेल नहीं भेजिए, हम तो कहते हैं उसको फांसी होनी चाहिए। जो बच्चों के इमोशनल स्टेटस के साथ खेलते हैं उनको जेल नहीं होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, इसलिए जो बड़े अधिकारी हैं उन पर CBI जांच हो, ऐसा हम सरकार से मांग कर रहे हैं। बैक टू बैक पेपर लीक होना, बीपीएससी का इतना बड़ा एग्जाम लीक हुआ और बीएसएससी भी अपने आप में बड़ा एग्जाम होता है, पेपर लीक होना, दैट मींस स्टूडेंट्स की मनसा और दिमाग की स्थिति डैमेज तो हो रही है, क्या लग रहा है? 100%
आप समझिए जो बच्चे 6x3 के कमरे में रह रहे हैं उनकी क्या मनस्थिति होगी, उनको ये लगेगा कि ये जॉब सिर्फ सेटिंग से मिलता है या सिर्फ क्वेश्चन लीकआउट से मिलता है, उसकी मनस्थिति को आप समझ भी नहीं सकते। कभी कभी जब देखते हैं कि पटना में उन छोटे छोटे रूम में जो बच्चे आते हैं दूर दराज से पढ़ने वाले और तकरीबन हजारों खर्च होते हैं, तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स डिमोटिवेट निकल जाएंगे घर, आपको लगता है? नहीं नहीं, इस व्यवस्था को हम लोग बंद करेंगे, ये जो गंदी व्यवस्था है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे और इसको बंद करेंगे एकदम। आगे इस पर अलग अलग चीजें होंगी, सरकार तक हम अपनी मांगों को रखेंगे संवैधानिक तरीके से और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने। मतलब स्टूडेंट्स के साथ हैं 100% जी। आप देख लीजिए 1 जनवरी है, लोग आज मटन चिकन दारू अलग अलग चीजों में व्यस्त होंगे और हम तो अपने बच्चों के साथ व्यस्त हैं, मस्त हैं और कोशिश करेंगे आगे भी रहने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए एसके सर ने साफ कह दिया कि स्टूडेंट्स के साथ हम मस्त हैं, इसलिए मस्त हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ही सब कुछ है इस बिहार और देश के यूथ। अब बात करें कि एक तरफ ग्रुप डी में जो स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट के लिए जाने वाले हैं उसके लिए मेडिकल कैंप कर रहे हैं, एम्स की टीम यहाँ पे है, और जो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि डर लगा रहता है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम होगा मेडिकल में, क्या छटेंगे, उन तमाम चीज़ों को यहीं से कॉन्फिडेंस के साथ ये बिल्डअप करके जाएंगे मेडिकल पे और फिर उसके बाद इनका जो है रनिंग होगा और फिजिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आएंगे। उसके बाद बात करें बीएससी पेपर लीक के लिए, सर ने साफ कह दिया कि हम स्टूडेंट के साथ हैं और लगातार ये स्टूडेंट्स के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं ऐसे माफिया तंत्र को फांसी की सजा दी जाए और हम लोग तब तक न रुकेंगे जब तक कि इन स्टूडेंट्स के साथ अच्छा ना हो जाए, बिहार में ट्रांसपेरेंसी ना हो जाए। और भी अपडेट से जुड़िएगा हमारे साथ, फिलहाल तब तक बहुत बहुत शुक्रिया।